बिहार में जो अभी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच, देखिए लगातार जनता ये भी तय नहीं कर पा रही है कि असल में सीएम का रोल कौन निभा रहा है। और उधर से जेडीयू से जो अभी एमएलसी थे हाल फिलहाल में, आज सुनने में आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी रिज़ाइन देने भी जा रहे हैं, 3 बजे वो जाएंगे। यह उथल पुथल जो आप देख रहे हैं वो उथल पुथल वास्तविकता नहीं, वह मीडिया के द्वारा बनाई गई उथल पुथल है। ये सरकार 2005 से लेकर के आज तक नीतीश कुमार के नेतृत्व पे और नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी पे चल रही है। भारत की राजनीति में हम लोग राजनीतिक पर्यटक मानते हैं उपेंद्र जी को, और पर्यटन पे वो निकल जाते हैं बार बार, उनकी आदत है। उपेंद्र जी लगातार जो बदलते रहते हैं, उनकी एकमात्र इच्छा है कि किसी न किसी तरीके से वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। उस वक्त भी नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव थे और उनके साथ वो अपनी जो है 5 सीटें मांगी और 5 सीट पे जो है आपने लेकर के उनके साथ गठबंधन बनाने का काम किया। तब तेजस्वी यादव बुरे नहीं थे। तो आपने तो जलील कर करके लोगों को बाहर निकाल दिया, कुशवाहा समाज के नेताओं को, और आप बात करें कुशवाहा लोगों के हक और हकूक की। आपने तो उनके अधिकार को कुचला है, और आप जिस दल के अंदर भी जाते हैं वहाँ उस दल में पहले से जो प्रोमिनेंट कुशवाहा लोग राजनीति कर रहे होते हैं उनका हक मारने के लिए आप पहुँचते हैं। नीतीश कुमार ने आज तक जितने कुशवाहों को नेता बनाया है, जितने लोगों को सांसद बनाया है, जितने लोगों को विधायक और मंत्री बनाया है, वो अपने आप एक मिसाल है। और उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व करने की जो क्षमता है वह कुशवाहा समाज के अंदर डेवलप किया है और जनता। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नचिकेता मंडल जी, हम इनसे बिहार के राजनीतिक जो प्रकरण अभी चल रहा है हम उस पर चर्चा करेंगे और इनके निजी जीवन के बारे में भी कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ इनसे बिहार के ऊपर और भारतीय राजनीति के ऊपर प्रश्न करेंगे, कुछ इनके जिला के ऊपर प्रश्न करेंगे। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। सर पहला प्रश्न यह है कि बिहार में जो अभी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच, देखिए लगातार जनता ये भी तय नहीं कर पा रही है कि असल में सीएम का रोल कौन निभा रहा है। और उधर से जेडीयू से जो अभी एमएलसी थे हाल फिलहाल में, आज सुनने में आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी रिज़ाइन देने भी जा रहे हैं, 3 बजे वो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी छोड़ना, आपको क्या इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए अंकित जी, आपके सवाल के 2 फोल्ड हैं। पहला फोल्ड आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में कुछ उथल पुथल है, यह उथल पुथल जो आप देख रहे हैं वो उथल पुथल वास्तविकता नहीं, वह मीडिया के द्वारा बनाई गई उथल पुथल है। अब इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं। अब लोग चला रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री है कौन मुख्यमंत्री नहीं है, सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब उसमें किस रोल में कौन है नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यों का के लिए बंटवारे में किसको क्या रोल देते हैं और नहीं देते हैं, ये मुख्यमंत्री जी का निजी काम है। और उन्होंने अगर तेजस्वी जी को कुछ काम दिया है या किसी और दूसरे लोगों को काम दिया है, ये उनका निजी मामला है, उसमें किसी और को हस्तक्षेप करने का कोई इख्तियार नहीं है। सरकार कैसी चल रही है? सरकार 2005 से लेकर के आज तक नीतीश कुमार के नेतृत्व पे और नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी पे चल रही है। हमारे लिए ये प्रश्न नहीं है कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है। हम जिस विज़न के साथ नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के बदलाव का विज़न दिया उस पर वो सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है। आज तक एलाइज कोई भी रहे, नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के ही पदचिन्ह, अभी तक तो उन्हीं के फ्रेमवर्क पे पार्टी चल रही है और सरकार भी चल रही है। और आने वाले समय में भी हर व्यक्ति की एक उम्र है, आज न कल, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। जब आएगा तब देखा जाएगा, और जब आएगा तब भी जो लोग आएंगे उन लोगों को नीतीश कुमार के तैयार किए हुए आउटलाइन पर चलना होगा, क्योंकि हम लोग तो उसी चीज़ के फॉलोअर हैं और उसको चलाएंगे निश्चित। उपेंद्र कुशवाहा जी शुरू में नीतीश कुमार जी के साथ राजनीति शुरू किए, फिर उन्होंने चेंज किया, अपनी नई पार्टी बनाई, फिर वो विलय किए, फिर उन्होंने अब नई पार्टी बना ली, ये लगातार दूसरी से तीसरी बार उनका ये रहा है। देखिए भारत की राजनीति में हम लोग राजनीतिक पर्यटक मानते हैं उपेंद्र जी को, और पर्यटन पर वो निकल जाते हैं बार बार, उनकी आदत है, स्थिरता उनमें नहीं है। और राजनीति का शुद्ध रूप से व्यापारीकरण उपेंद्र जी ने कर दिया है। महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है, और उस महत्वाकांक्षा के लिए भी अगर वो फोकस्ड रहें और स्थिर रह कर करें तो कोई बात समझ में आती है। आप दिन भर इधर से उधर कीजिएगा, दूसरे को कहिएगा कि आप भी तो करते हैं। आज तक बिहार के अंदर, मैंने पहले भी अभी पिछले सवाल के जवाब में भी आपको कहा कि अब 2005 से लेकर आज तक जो सरकार है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एलाइज कोई भी रहेगा, आइडियोलॉजी वही रहेगी, नेतृत्वकर्ता वही है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है।
साथ ही बदलते हैं हमारे, जो साथ चल सकता है उस आइडियोलॉजी के वह रहेगा, जो नहीं चलेगा उसको पार का रास्ता देखना पड़ेगा उसी। लेकिन उपेंद्र जी लगातार जो बदलते रहते हैं, उनकी एकमात्र इच्छा है कि किसी न किसी तरीके से वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, और अगर उस पर भी वो स्थिर रहें तो भी, क्योंकि मैं उनके साथ काम किया, मैंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में भी मैं था उनके साथ और राष्ट्रीय महासचिव रहा मैं उनके साथ, लेकिन उस पर भी वो केंद्रित नहीं रहते हैं, पार्टी को दुकान बना देते हैं। आपने जो है आप एनडीए में थे, आप में मंत्री थे वहाँ पर, और जब एनडीए का साइज़ बड़ा हुआ, फिर बिहार के अंदर भी नीतीश जी उस वक्त आए, तो आपको वहाँ स्थिरता अस्थिर हो गया, आपको लगा कि हमारा तो हकमारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज आप जिस राजद पे, जिस तेजस्वी यादव पे इतने सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी तेजस्वी यादव से मिलने के लिए अरवल के जो है सर्किट हाउस में आप पहुँच गए एनडीए के मिनिस्टर होते हुए, और वहाँ बंद कमरे में उनसे बात की आपने, फिर उसी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली उस वक्त पार्टी, उस वक्त भी नेतृत्व करता तेजस्वी यादव थे, और उनके साथ वो अपनी जो है 5 सीटें मांगी, और 5 सीट पे जो है आपने लेकर के उनके साथ गठबंधन बनाने का काम किया, तब तेजस्वी यादव बुरे नहीं थे। और फिर जब आपको जब 5 सीट मिली तो आपने क्या क्या किया वो पूरा बिहार जानता है, किस प्रकार की राजनीतिक सौदेबाजी आपने की, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का हक आपने मारा। सर, उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि बिहार में कुशवाहा जो जाति है उसका नीतीश कुमार ने बस वोट के रूप में उपयोग किया है, लेकिन उसका सही मायनों में कुशवाहा समाज को इज्जत नहीं मिला है, बस जो लव है उनको बस इज्जत दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी पहले ये बताएं कि जब वो पहली बार विधायक बने और उनको विरोधी दल का नेता बना दिया गया तो किस जाति से आते हैं, किस जाति के लोग को बनाया गया? और उपेंद्र जी यह बताएं कि 5 लोकसभा सीट में खुद के अलावा ब्रजेश को पैसा लेकर टिकट देने या जो भी मामला है उसके अलावा कितना कुशवाहा को चुनाव लड़ा, और जनता दल यूनाइटेड ने कितने लोगों को सांसद बनाया है, विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, आप जरा ये कैलकुलेट कर लीजिए। कुशवाहाओं के हक और हकूक को कोई मार रहा है, कोई बेच रहा है, कोई बर्बाद कर रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम उपेंद्र कुशवाहा। जो व्यक्ति स्वयं केंद्र आधारित उसको दिया टिकट, भाई आप 5 सीट लिए थे, 5 कुशवाहा बहुल क्षेत्र ले लेते और सभी पार्टी के वरिष्ठ कुशवाहा नेताओं को चुनाव लड़वा देते, तो आपने तो जलील कर करके लोगों को बाहर निकाल दिया, कुशवाहा समाज के नेताओं को, और आप बात करेंगे कुशवाहा लोगों के हक और हकूक की, आपने तो उनके अधिकार को कुचला है। और आप जिस दल के अंदर भी जाते हैं वहां उस दल में पहले से जो प्रोमिनेंट कुशवाहा लोग राजनीति कर रहे होते हैं उनका हक मारने के लिए पहुंचते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि कुशवाहा में आपके अलावा कोई नेता बन सके। सर, नीतीश कुमार ने आज तक जितने कुशवाहाओं को नेता बनाया है, जितने लोगों को सांसद बनाया है, जितने लोगों को विधायक और मंत्री बनाया है, वो अपने आप एक मिसाल है, और उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व करने की जो क्षमता है वह कुशवाहा समाज के अंदर डेवलप किया है, और जनता दल यूनाइटेड के अंदर कुशवाहा समाज अपनी संख्या से ज़्यादा हम लोग की पार्टी का नेतृत्व करते हैं। आज भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किस जाति से आते हैं, आपको नहीं पूछ रहा है, आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि आप किसी कुशवाहा को नहीं चाहते हैं, आपके अलावा कोई नहीं बने, तो आप उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल के बैठ जाते हैं, तो ये आरोप आप उल्टा लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि लोग की जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो गलती भी आप खुद कर रहे हैं, बेईमानी भी आप कर रहे हैं, और आरोप आप नीतीश कुमार पर लगा। सर, अभी मैं 2 दिन पहले नागमणी कुशवाहा जी को इंटरव्यू लेने के लिए गया था, उन्होंने नीतीश कुमार पे आरोप लगाए कि उन्होंने बिहार को पिछले 20 सालों में कुर्मिस्तान बना दिया है। उन्होंने ये कहा, आंकड़े दिए कि 38 जिले में आईएएस ऑफिसर में 26 जिले में आईएएस ऑफिसर जितने हैं एसपी और डीएम, वो एक ही कास्ट, प्रॉपर एक कास्ट को नीतीश कुमार ने अपॉइंट किया, बाकी सबको वो बिहार से बाहर भेज देते हैं। अब हमको तो ये समझ में नहीं आती ये आंकड़े वो कहाँ से लेकर के आते हैं। अब हम दक्षिण बिहार में रहते हैं जी, तो दक्षिण बिहार के उठाइए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसके बगल के जिलों को उठाइए, और जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लिस्ट उठा कर देख लीजिए किस जाति से आते हैं, वो भी देख लीजिए, एसपी में भी आप उठा करके देख लीजिए, ठीक ना। ये सब चीज़ें जो है मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आप लोग राजनीति के अंदर जो जनता की जो उम्मीद है उसके हिसाब से जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार की अनर्गल बातों से राजनीति करते हैं। बिहार के अंदर विकास शब्द को परिभाषित अपने काम से किया है नीतीश कुमार ने, उसकी जो विवेचना की है विकास की, अपने कर्म से किया है उन्होंने, और उसमें
अधिकारियों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने योग्यता के आधार पर लोगों को चुना है और उनसे बेहतर तरीके से काम करवाया है। बिहार जो बदला है, ये बदले हुए बिहार का विकल्प इन लोगों के दिमाग में कुछ है नहीं, तो ये सब अनर्गल आरोप लगाते हैं। बिहार आप कह रहे हैं बदला है, लेकिन जब से तेजस्वी यादव जी के साथ अलायंस किए हैं नीतीश कुमार, अभी पिछले 3 दिनों से लगातार देखा जाए तो बिहार में क्राइम का भी, पटना में 50 राउंड गोली चला, फतुहा के पास गोली चला, या आए दिनों रेप के केसेस, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस पर सभी पार्टियों का आरोप है कि जंगल राज फिर से शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार नहीं वो चीज़ करवा पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे क्योंकि RJD के साथ वो मजबूरी में है। फिर ये गलत जो आरोप है इसलिए गलत है क्योंकि पहले जब जंगल राज के लोग जो बात करते थे तब ऑर्गेनाइज क्राइम की बात किया करते थे, जब क्राइम व्यापार बन गया था। आज बिहार में क्राइम व्यापार नहीं है, आप जो घटनाएं देख रहे हैं वो इंडिविजुअल क्राइम की घटना है और कोई भी सरकार इंडिविजुअल क्राइम को रोक नहीं सकती। आप मेरे साथ अभी बैठे हैं, आपकी मनोदशा क्या है नहीं है पता नहीं, आपके मन में कुछ आ जाएगा, आप कोई एक्ट कर जाएंगे, एक्ट करने के बाद आपके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होती है। आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए कि क्राइम के घटने के बाद उस पर जो कार्रवाई हुई है और केस सॉल्व करने की जो रफ्तार है बिहार सरकार की, बिहार पुलिस की, वो कितनी शानदार है। लेकिन इंडिविजुअल क्राइम जहाँ जमीन के विवाद में किसी को गोली मार दी, रेप केसेस दुर्भाग्यपूर्ण बहुत गंदी हरकतें हैं जो, लेकिन है क्या कि समाज की जो गंदगी है, मानसिक रूप से जो दिमाग में लोगों के भरा पड़ा है, वो बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो तुरंत नहीं हो जाएगा। शराबबंदी ने बहुत इफेक्ट किया है, पहले जिस ढंग से माहौल था समाज के अंदर शाम को चलना मुश्किल था, आज वो स्थिति नहीं है। करोड़ों लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, आज उनके जीवन स्तर को बदला है, उनकी उसी हिसाब से उनकी सोच भी बदल रही है। लेकिन फिर भी क्या है कि जब मीडिया को बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस चलाते हैं और वो बिजनेस हाउसेस किसी के पास गिरवी पड़े हुए, तो न्यूज़ भी तो उसी हिसाब से निकलता है ना, फिर चन करते हैं। क्राइम कल भी हो रहा था, कल हमको नहीं दिखाना, आज मेरा इंटरेस्ट है कि वो दिखाना है। इंडिविजुअल क्राइम सब दिन बड़े बड़े शहरों में, आप न्यूयॉर्क में जाएंगे, आप दिल्ली में जाइए, आप मुंबई में जाइए, कहाँ नहीं होता मर्डर, रेप, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल होना चाहिए, सरकार का डर होना चाहिए और वो डर धीरे धीरे डेवलप भी हुआ है, पहले की तरह ऐसी घटनाएँ नहीं है। और मैंने शुरू में कहा कि आज बिहार के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम, माफियागिरी, वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है नीतीश जी के शासनकाल में, अब कोई बड़ा माफिया नहीं बचा है और कोई व्यक्ति ये दबंगता के साथ नहीं चला सकता कि वो स्टेट को चला रहा है। एक आखिरी प्रश्न है सर, कि ये आरोप लगाया जाता है विपक्षी दलों के द्वारा, खास करके BJP जो अभी विपक्ष में आई हुई है, उन्होंने कहा है कि बिहार में जो विकास हुआ है वो केवल पटना और नालंदा तक सीमित रह गया है, ऐसा सम्राट चौधरी जो है, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा जी और संजय जायसवाल, ये तीनों ने ये बातें कही हैं अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नालंदा और पटना से आगे नीतीश कुमार जी कभी बढ़े ही नहीं है। असल में पटना से बाहर निकलते ही लोग टीम का चश्मा पहन लेते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल बना होता है, उसके आगे इनको दिखाई नहीं देता। तो गृह जिला मेरा भी वही है जो सम्राट जी का, वो तारापुर से आते हैं, मैं मुंगेर से आता हूँ, तो जब वो पटना से यहाँ से चलते होंगे तो उस मुंगेर गंगा पुल पर चढ़ते होंगे बेगूसराय के पास, वो उनको नहीं दिखता हुआ टीम का चश्मा पहन लिया होगा उन्होंने, जब उसी पुल से उतरते होंगे तो उनको तुरंत वानिकी कॉलेज में दिखता होगा बड़ा परिसर, और ये भारत का दूसरा वानिकी कॉलेज है, एक गुजरात में है और दूसरा मुंगेर के अंदर खुला है। फिर उससे आगे बढ़ते होंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस दिखता होगा, लेकिन क्योंकि टीम का चश्मा पहन रखा है तो नहीं दिखाई देगा। फिर उसके आगे बढ़ेंगे जैसे ही तो फिर उनको दिखाई देगा पूरा, ITC ने डेयरी का पूरा डेवलप किया है उस एरिया को, 200 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट को, आगे बढ़ेंगे और तो जो डेवलपमेंट है वो सड़क जो शानदार दिखती है NH की तरफ और 4 लेन की तरफ डेवलप होती जा रही है, तो ये सब चीज़ें उनको नहीं दिखाई देगी क्योंकि दिमाग में कुफर भरा है, दिमाग में उनके गड़बड़ी है, उनको बनना है बहुत जल्दीबाजी में मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा जी को भी बनना है, अब एक पद के कितने उम्मीदवार हैं BJP के अंदर पता नहीं, हम लोग यहाँ तो अभी भी एकमात्र नेता है सर्वमान्य नेता, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग बहुत हड़बड़ी हैं, तो वो बेचारे जब पटना से बाहर निकलते हैं तो चश्मा पहन लेते हैं, उस चश्मे से वो दिखाई नहीं देता, वो इतना तो मानते हैं कि पटना और नालंदा में विकास, तो पटना नालंदा में चश्मा खोल के घूमते होंगे, लेकिन हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि पटना का एरिया जैसे ही पार करते हैं तो वो टीम का चश्मा पहन लेते होंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया हुआ, ताकि वो विकास को देख नहीं पाए। गया के अंदर गंगा का पानी पहुंच गया, उनको नहीं दिख रहा होगा, एक सूखा सा जगह है नवादा और नालंदा, नवादा में और गया में गंगा का पानी पहुंच जाए पीने के लिए, हर घर नल का जल पहुंच रहा है, कुछ गड़बड़ियाँ होंगी, आदमी काम करता है, आदमी बेईमान होता है,
कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कार्रवाई हो रही है, सुधार हो रहा है, लेकिन किसी ने सोचा 70 साल के अंदर की जो है हर घर नल का जल और शुद्ध पेयजल घर तक पहुंच जाए, किसी को कहीं ढोने की जरूरत नहीं पड़े। और जो सबसे सुदूर और सूखा इलाका था, फल्गु नदी कहने को थी, ऊपर से कुछ दिखता नहीं था, बालू खोदो तो कुछ दिखता था, आज वहां गंगा तट पहुंचा गया, तो आपको वो भी नहीं दिख रहा होगा विकास, आपके समझ में नहीं आ रहा है। सड़कें, आज ऐसा कोई संपर्क की बस्ती नहीं है जहां छोटी छोटी आबादी भी हो वहां संपर्क पथ नहीं, पक्की सड़कें, बढ़िया गाड़ी से आप जा सकते हैं। आप गुजरात से आए हैं, आप गाड़ी लीजिए और बिहार के जो है सुदूर इलाकों में चले जाइए और आप देखिए कि पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। उनसे पूछिए भैया बिजली कितना देर मिलता है, तो आपको बोलेगा 22 घंटे मिलता है। एक दो घंटा कहीं फॉल्ट से कट गया होगा तो कट गया होगा, लेकिन बोला 24 घंटा 22 घंटा बिजली। अब उनको विकास नहीं समझ में आता है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, टीचर्स की पढ़ाई लगातार चल रही है, तो धीरे धीरे वो भी सुधार हो रहा है। जादू की छड़ी नहीं है, एक प्रक्रिया में समय लगता है। तो ये प्रक्रिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सिर्फ 2025 तक ही रहेगी, उसके बाद वो सौ, मैंने कहा उसके बाद भी जो सरकार आएगी उसको नीतीश कुमार के द्वारा ही बनाए गए जो डॉटेड लाइन्स है उस पर ही चलना है, उनसे अलग नहीं, उससे अलग बिल्कुल नहीं होगी। नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाना आगे वाली पीढ़ियों का काम है, हमारे जैसे लोग जो अगली पीढ़ी के लोग आएंगे उन लोगों का काम है कि नीतीश कुमार ने जो डॉट लाइन बनाया है उसको उसी राह पे चढ़ते हुए अग्रसर करते हुए और बेहतर करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। जल्द आपने देखा नचिकेता मंडल जी थे हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने सभी बातें रखी, बिहार के तमाम महत्वपूर्ण विकास को लेकर सभी बातें, और जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी उस पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी सभी बातों को रखा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।